नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। बिजली विभाग की लापरवाही महीनों से झेल रहे ग्रामीण, ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बंद है विद्युत सप्लाई। ग्रामों के अनुसार 30,000 न देने पाने के कारण नहीं रखा गया दूसरा ट्रांसफार्मर। जनपद श्रावस्ती के विकास खंड मिल्लीपुर के ग्राम पंचायत हरबंसपुर के मदरा कमला गांव का मामला, जहां पर ग्रामीण समिति पर अभिनंद के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि एक महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत सप्लाई बंद पड़ी है। इसके कारण समिति जय पावर हाउस नवाबगंज द्वारा 30,000 की डिमांड पूरा न कर पाने की वजह से ग्रामीणों का ये समस्या झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ समस्या नवाबगंज जय SDO व एक्शन तथा DM को भी अपनी समस्या प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, परंतु एक ही महीने से भी अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही महीने से तो बिजली ठप है, प्लस कोटे से मिट्टी का तेल मिलना भी बंद हो गया। हम ग्रामीण के लिए यह समस्या बहुत बड़ा अंधेरे में कब हो जाए, इसका हर वक्त एक डर बना रहता है। काफी दिनों से समस्याओं का झेल रहे ग्रामीणों ने मीडिया को बुलाकर अपनी आवाज को सरकार के तक पहुंचाने का प्रयास किया और ये भी बताया कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार का सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आवश्यकता करे, जिससे भी आज हम सभी ग्रामीण एक महीने से समस्या झेल रहे हैं, इसका शिकार और कोई दूसरा ग्रामीण ना हो। कवरेज के दौरान ग्राम वासियों ने काफी तादादों में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की मांग की और न्याय की गुहार भी लगाई। खास रिपोर्ट सिराजुद्दीन खान के साथ, फैजान खान की रिपोर्ट। जमनहा अंतर्गत ग्राम पंचायत हरबसपुर के ग्राम कमला में खड़े हैं। यहां पर ट्रांसफार्मर को लेकर कुछ ग्रामवासियों का कहना है, आइए इन ग्रामवासियों से बातचीत करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। बाबा मैं अपना नाम बताइए। मैं बाबा हरिया दास हूँ, मेरा यही गांव ग्राम कमला में जन्मभूमि है। मैं मौजा हरबंसपुर का निवासी हूँ और थाना नवाब मल्लीपुर पड़ता है, जिला सलावती पड़ता है, ब्लाक जमनहा पड़ता है। आपकी समस्याएं क्या? श्रीमान जी, हमको हमारे गांव की समस्या ये है कि एक महीना से ट्रांसफार्मर चल नहीं रहा है और हमारे ग्रामीण के जितने लोग हैं वो परेशान हैं। कम से कम 100-150 कनेक्शन होगा, जो कि हम लोगों बिना बत्ती के रहते हैं। गांव में कोई ना बत्ती के रहना, कोई मोमबत्ती, ऐसे हम लोग रात भर पड़े रहते हैं। चाहे सांप काट ले, चाहे बिच्छू खेल ले, हमारे बच्चे सब रोते रहते हैं अंधेरे में। और ये ट्रांसफार्मर को कोई जोड़ने नहीं आता है। इसकी सूचना आपने तक जहाँ सूचना हमने कई बार लोगों को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि यही महोदय का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर बड़ा लाया जाएगा जिसमें 20-25-30,000 रुपये का कर्जा है। तो हम लोग गरीब ग्रामवासी हैं, कहाँ से इतना पैसा लावें। तो इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं कि हमारी सूचना को आप सरकार के पास भेजें और हमारे जो है ट्रांसफार्मर को हमें ला दें, ताकि हम लोग अब पैसा मांग रहे हैं। यही महोदय जो है यहाँ विभाग के, वही ये सब लेना चाहते हों या खरीदना चाहते हों, ये बता रहे थे कि 20-30,000 रुपया लगेगा। यही हमारा समस्या है, हमारे गांव की समस्या है। बस काम खत्म, भाग से मामला खराब। गांव में कुल टोटल कनेक्शन कितने हैं और कितने ग्राम का हमारा आपके गांव में? कम से कम 50-60 कलेक्शन है। 100 के हेर फेर में है। कितने ट्रांसफार्मर है आपके ग्राम में? बस 50। अच्छा, एक जानकारी में और चाहिए कि जो ये ठेकेदारी द्वारा सप्लाई बोलर लगाए गए थे, क्या ये सप्लाई आपके ग्राम सभा में जोड़ी गई, क्या LT दी गई या नहीं? नहीं जोड़ी अभी तक नहीं। अच्छा, आपने जो प्रयास किया है ये विद्युत सप्लाई सही करवाने के लिए, उसमें आपको मतलब क्या क्या इसमें जो रखी गई आपके भी, जिसके कारण ट्रांसफार्मर नहीं अभी तक नहीं? अब हम लोग के गांव में लाइट बराबर भैया रहते ना, अभी के बाद में हम लोग जब प्रयास करें तो हमारे उनके प्रयास कोई मानी नहीं जा रही है, क्या करेंगे हम? जैसे अभी बाबा जी ने बताया कि हमारे ग्राम सभा में पैसों की डिमांड किया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? नहीं तो पैसे की डिमांड भैया, तो पैसा जैसे सरकारी काम में हम लोग पैसा करते हैं।
आप लोग आपके पैसे ना दे पाने के कारण जो है सप्लाई विद्युत नहीं। हाँ, हम लोग पैसा नहीं दे रहे इसलिए। आपका नाम क्या? वो नहीं है ग्रामीण, इनका कोई दिक्कत है। मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी, ये बताइए कि आपकी जो समस्या बनी पड़ी इस पर आपके क्या कहना है? ये कहना है कि मतलब लाग जाए कि जरूर करना हुआ। अच्छा बाबा जी, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे कि आपकी जो समस्या बनी पड़ी है, आप क्या संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार को दोबारा भी हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार आवे ताकि हमारे यहाँ बिजली 24 घंटा जले। हम तो चाह ही रहे हैं, कोई भी सरकार वो हमारी है, लेकिन हम लोग गरीबों का भी मदद करे सरकार, इसलिए हम चाह रहे हैं कोई भी सरकार है वो हमारी ही है। लेकिन एक महीना से बिजली आपकी ठप पड़ी, हो सकता है कि जो है विभाग वाले इंजीनियर वगैरह है या अभियंता वगैरह है ना, यहाँ उन तक हाल कोई पहुँचाया हो, यहाँ यही तक पहुँचाया हो सकता है कि सरकार तक पहुँच जाए तो हमारी समस्या भी हल हो सकती है। एक बात अभी आपने कहा कि हम SDO को दिए, SDM को दिए, सभी को अपने। हाँ, ये लोग दिए हैं और दिए हैं, और पैसा का डिमांड किया जा रहा है कि हाँ 25-30 हज़ार होंगे तब ये ट्रांसफार्मर यहाँ लग पाएगा, वरना नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमारे ग्राम हरबंशपुर का एक जो मजरा है, मौजा है, वहाँ बत्ती 24 घंटा चल रही है, तो क्या यहाँ नहीं आ सकती है? मतलब, वहीं मतलब का प्रधान है। ये कारण है कि पैसे ना दे पाने के कारण, पैसे ना दे पाने के कारण ये हालत हो रही है हमारे गांव की, क्योंकि हमारे गांव में गरीब लोग बसे हुए हैं, वहाँ सब बेग लोग हैं, इसलिए वहाँ बत्ती 24 घंटा चल रही है। ग्राम सभा में कुल कितने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं? बस एक ही, मात्र एक ही है। टोटल कनेक्शन कितने हैं? कनेक्शन कम से कम 100 से ऊपर होगा, क्योंकि और बहुत से लोग चाह रहे हैं कनेक्शन के लिए, तो जब बत्ती नहीं चल रही तो कनेक्शन कैसे लगेगा? एक ही ट्रांसफार्मर है 25। अभी ग्रामीणों से बातचीत हुई, आप लोग ने देखा, और जनपद सरावस्ती के विद्युत के जो भी अधिकारी हैं, किस तरह से ग्राम वासियों को विद्युत से वंचित रखे हुए हैं आप खुद देख रहे हैं, और चरम सीमा को लानते हुए विद्युत कर्मचारी एक महीने से कुछ चंद पैसों, जो ग्राम वासियों का कहना है कि चंद पैसे न देने के कारण विद्युत से हमको वंचित रखा गया है।